दोस्तों बात करने वाले एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, एनएचपीसी के अंदर कल मार्केट के साथ गिरावट थी, आज एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गिरावट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, एंड यहाँ पे जो मार्केट गिरा था वो एफआईडीआई के बड़े प्रेशर की तरफ से गिरा था, क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्शन का प्रेशर चल रहा है। देखो, प्रेशर अभी खत्म हुआ नहीं है, यहाँ पे अभी भी स्टॉक के अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह सकती है। तो हम ये नहीं कहते कि यहाँ से आने वाले एक दो दिन के अंदर यहाँ 110-120 रुपए चला जाएगा। देखिए दोस्तों, पोटेंशियल है, जाएगा, बट अभी के टाइम आपको पता है इलेक्शन का प्रेशर है, कहीं पे क्या बीजेपी की बढ़त है, कहीं पे घटत है, कभी कांग्रेस की बढ़त है, तो उसको देखते हुए मार्केट ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। मार्केट भाई अभी के टाइम कंफ्यूज है कि जाना कहाँ पे। अगर देखो बड़े फिगर्स की तरफ से ये बड़ी जो भविष्यवाणी वो की गई है मार्केट को लेकर, की देखिए अगर यहाँ से कांग्रेस आती है तो मार्केट जाएगा 16,000, ठीक है, डाउन के अंदर, और डाउन यहाँ से 30% का क्रेश। इसी के बाद अगर यहाँ से बीजेपी आती है भाई, तो मार्केट यहाँ से बड़ी रैली दिखा सकता है, जो कि 25,000 के प्लस देखने को मिलेगी। मार्केट यहाँ से कम 35-30% की रैली यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर बीजेपी आती है तो यहाँ से आपकी एनएसपीसी वगैरह ये 200-200 रुपए तक के लेवल यहाँ पे दिखा सकते हैं, जस्ट अभी इलेक्शन बाद बजट के आसपास यहाँ पे। क्योंकि बजट में आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बड़े अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करेगी, ये डेफिनेटली करेगी अगर बीजेपी आती है, तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड उसको देखते हुए टाइम हम प्रिडिक्ट करते हैं, आपको क्या लग रहा है, आप खुद यहाँ पे उसको देखते हुए आप अपना व्यू देखो कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए टाइम, अगर हम डाटा देखें दोस्तों, तो एनएसपीसी के अंदर बड़ी वॉल्यूम थी, कल भी वॉल्यूम थी, प्रॉफिट बुकिंग हम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि अराउंड 80 रुपए 80 प्लस के बाद जो रैली आई थी उसके बाद अराउंड 100 रुपए के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो जो कमजोर इन्वेस्टर थे वो सब कल निकल चुके हैं, यहाँ से अगेन हमें इस लेवल से बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा लेवल है, एंड इस लेवल से दूसरे फेज की तेजी स्टार्ट हो रही है, तो एक बड़ा मौका है हमारे लिए। एंड डाटा देखा जाए 11 करोड़ 31 लाख की टोटल आज की वॉल्यूम थी, एंड इसमें से डिलीवरी देखा जाए दोस्तों 33-32% जो माल है आज यहाँ पे उठाया गया है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है एमओबी के टाइम पॉजिटिव, मैंने आपको कल ही बताया था जब मार्केट क्लोज हुआ था अराउंड 1-1.5 लाख का एक एमओ लगा हुआ था, वो संकेत कर रहा था कि एंड मोमेंट में हमें बायर आते हुए देखने को मिले, जो कि कल यहाँ से पॉजिटिविटी ला सकते हैं। एंड यहाँ से आज आपने देखा कि पॉजिटिविटी भी देखने को मिली है, अराउंड 98 रुपए के लेवल के आसपास स्टॉक हमें अगेन आता हुआ देखने को मिल चुका है। अराउंड दोस्तों आज के इंट्राडे आई में 100 प्लस के देखने को मिल चुके हैं, जो कि 98 का एक बड़ा सपोर्ट है, ब्रेकआउट भी रहा था, कल टूटा था, वो आज फिर से यहाँ पे रिकवर हो चुका है। डाटा देखा जाए, रिजल्ट वगैरह देखने को मिलेंगे 17 मई को, यहाँ पे 17 मई को आपको बड़ा एक्शन दिख सकता है। 4 जून को यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे इलेक्शन उसके रिजल्ट देखेंगे, तो 2 डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी, बड़ा इवेंट रहेगा। एक तो हमारे 17 मई यहाँ पे जब क्वार्टर फोर के आंकड़े जारी होंगे, दूसरा 4 जून जब यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट जारी होंगे। तो भाई ये चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है, एंड इससे पहले गलती नहीं करना है, स्टॉक ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर चीजें गलत भी होती है तो ये गिर जाएगा, ये 50 रुपए आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। कंपनी अपने लेवल पे सही तरीके से ट्रेड कर रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है कि प्राइस इतना होना ही नहीं चाहिए, मार्केट में लोगों ने खरीद खरीद के इस प्राइस पे लिया, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक अपनी सही वैल्यू पे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 50 आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का एक तो रिजल्ट अच्छा आएगा, दूसरी चीज अगर 50 रुपए आता है तो सोचो पी कहाँ आएगा, पी अराउंड दोस्तों 10 के नीचे, जो कि बहुत अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी इंट्राडे चार्ट पे, अगर बार फोकस करूँ इंट्राडे चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ से ये टाइम नजर आ रहा है। देखिए एक बार नेगेटिव था जो कि मॉर्निंग में ओपनिंग के वक्त दिखा था, इसके बाद टोटली हमें एक अच्छी गेन स्टॉक ने दिखाया है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 2 डेट याद रख लेना। एंड इसके बाद हमें एक बड़ा मोमेंटम देखेगा, जो आप वेट कर रहे हो 150-200 रुपए का, वो हमें जल्दी यहाँ से नजर आ सकता है। एंड मार्केट का प्रेशर आप देखेंगे, मार्केट ने आज कोई भी बड़ी हलचल नहीं दिखाई, हलचल तो दिखी थी बट क्लोजिंग में कोई बड़ी ऊपर नीचे देखने को नहीं मिला, इंट्राडे में ऊपर गया नीचे गया, वोलेटिलिटी स्टॉक जो मार्केट है इसने बिल्कुल यहाँ से आज क्रिएट करी है। मेन चीज यहाँ से टाइम करना क्या है, तो देखिए वेट करना है, थोड़ा सा इमोशनली कंट्रोल रहना अपने आप को, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में ऐसी चीजें होती रही कि आज करेक्शन कल तेजी, आज करेक्शन कल तेजी, एंड आपने यहाँ पे 100 पे बाय कर लिया, 95 आ गया, फिर आप घबरा रहे हो कि भाई अब क्या होगा, अब तो इलेक्शन भी आ रहा है, यहाँ पे गिर गया तो क्या होगा, ये चीजें भाई, ये रिस्क है, इस रिस्क को आपको पहले ही पता है कि मार्केट में रिस्क है, तो इस चीज को आपको जुटलाना नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करना है। मार्केट में पैसा लगा दिया है, उसके बाद आपको अपने आप पे विश्वास करना है, अपने स्टॉक पर विश्वास करना है, कंपनी पे विश्वास करना है, कंपनी के बिजनेस पर विश्वास करना है, मेन चीज अपने आप पर कंट्रोल रखना आपको, ठीक है ना, तब जाके आप मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के तौर पर सोच पाओगे। एंड यहाँ से पैसा कम हो प्रॉब्लम नहीं है, बट सोच
छोटी नहीं रखना है, सोच आपको पॉजिटिविटी रखना है एंड वेट करना है अपने टाइम का। तो यहाँ पे भी स्टेज स्टार्ट हो चुकी है ब्रेकआउट वगैरह के ऊपर है एंड वोलेटिलिटी अगर मार्केट दिखा था तो भाई ये भी दिखा सकता है, क्योंकि देखो अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती तो इतना वोलेटिलिटी नहीं आती, बट गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है जैसे जैसे गवर्नमेंट पर अगर प्रेशर आता है तो यहाँ पे ये भी आपको प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। मेन चीज टेक्निकली देखो आज पावर सेक्टर अच्छा बुलिश था, पावर सेक्टर के अंदर अच्छा गेंद देखने को मिला है, एनएचपीसी वगैरह भी एक अच्छी रैली में जाते हुए देखने को मिले, 2% की तेजी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग करी है, 61 का आरएसआई चल रहा है एंड यहाँ से अगर हम देखें तो वॉल्यूम धीरे धीरे अगेन इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है एंड जो ब्रेकआउट हुआ था वो टूटा था, इसके बाद हमें अगेन फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो चार्ट का संकेत भाई यही है कि अभी के टाइम थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पे, बट रैली यहाँ पे जल्दी दिखेगी तो वेट करो 2 इवेंट का, क्योंकि आपको पता मार्केट में इवेंट की बहुत इंपॉर्टेंस ही रहती है, उसके बिना स्टॉक हिलते भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव अपडेट आएगी तभी ऊपर जाएगा, रिजल्ट हमारे लिए अच्छे रहने की फुल उम्मीद है, रिजल्ट अच्छे रहते हैं तो फिर यहाँ से मार्केट कैसा भी हो तो डेफिनेटली यहाँ से 10-12% हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है रिजल्ट के बलबूते पे। तो वेट करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि अपडेट्स आपको